दिखाऊंगा। आज मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए। रावण दहन के बारे में क्या जानते हैं? एक्चुअली आज ही के दिन ये रावण का ये वध किए थे राम जी, तो इसी के लिए रावण दहन किया जाता है। आज के दिन वध किए थे, हाँ, मतलब रावण को मतलब मार दिए थे। राम भाई की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। रावण को मार दिया क्या? रावण को मार दिया। और किसको मार दिया? और रावण के जितने भी ये उसके भाई थे, कुंभकर्ण थे, उसके पुत्र मेघनाथ थे, उनको भी मतलब कि राम जी द्वारा मतलब मारा गया था। और इस तरह से मतलब कि जो भी सीता जी के साथ हुआ था, मतलब कि मतलब छल करके उनको लाया गया था, इस कारण मतलब कि उसके खिलाफ लड़ करके और क्या किया कि वो न्याय का और सच्चाई का साथ देकर के मतलब उस पर विजय प्राप्त किया। जलाया इसे आप लोग को क्या सीखेंगे? इसे ये सीख मिलता है कि जो भी बुरा करेगा, मतलब ये रावण ही नहीं, मतलब और भी इंसान भी बहुत सारे हैं जो बुरा करते हैं, उसको मारना नहीं, मतलब उस मतलब वैसा नहीं करना चाहिए, अंदर की बुराई को मतलब खत्म करना। अच्छा अच्छा, मतलब हम पहले अपने रावण को जी जी बहुत अच्छी बात है। आज क्या हो गया? नाम क्या? मनी कुमार। मनी कुमार, आप बताइए आज यार क्या आज दशहरा है? आज ही के दिन राम जी ने रावण कुमार थे और उनके साथ, इसीलिए उनके मूर्तियों को जलाया जाता है। रावण है, मेघनाथ और उनके बड़े भाई जो कुंभकर्ण थे। आज के दिन पूरा मतलब विजय प्राप्त कर लिया, हाँ, रावण को मार दिए थे आज, इसलिए हम लोग दशहरा मनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दहन होना है रावण का, तो उसका उसका मतलब दहन होने का मतलब क्या समझते हैं? इससे आपका क्या जीवन में आपका ये समझाते हैं कि इसी दिन राम मारे थे, बुराई पे अच्छाई का जीत हुआ था, और ये इसे ही सीख मिलता है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए, जैसे रावण बहुत अहंकारी था इसलिए वो मरा, और गलत काम नहीं करना चाहिए। होता है तो आपको मारना चाहिए क्या? आपके स्वयं अंदर कुछ गलत करने का इच्छा होता है तो उसको मारना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरे क्या सबके अंदर होता है इच्छा, तो उसे कंट्रोल रखना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू।